वेलकम टू स्टार इन्फॉर्मेटिक। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बॉक्स को ओपन करते ही हमारे पास रिबन फाइबर स्प्लाइसर है, उसके बाद यह हाई प्रेशर क्लीवर है। आगे जैसे आप देखेंगे ये हॉट जैकेट रिमूवर है। आइए अब हम स्प्लाइस करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास FMSR 12000 स्टार की है। अब हम इसे ऑन करते हैं तो जिस तरह से आप देख सकते हैं ये अब मशीन ऑन हो चुकी है और इसका बूटिंग टाइम बहुत कम है। अब ये मशीन रेडी टू स्प्लाइस है। अपनी सारी एसेसरीज हमने अपनी मशीन के पास रख ली है। जिस तरह आप देख सकते हो मशीन के अंदर ऑलरेडी 12 रिबन फाइबर के होल्डर्स लगे हुए हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे पास 12 रिबन फाइबर है। अब आप इसको हॉट जैकेट रिमूवर से स्ट्रिप करेंगे। जैसे ही मेरा इंडिकेटर ग्रीन हुआ मैं इसको पुल अप कर दूंगा और आप देख सकते हो स्ट्रिप हो चुका है। मैं अल्कोहल से इसको साफ करके क्लीवर से कट करूंगा। ये मैंने फाइबर को क्लीवर से कट कर दिया है। मैं बेसिकली इसके होल्डर को अपनी मशीन के अंदर प्लेस करूंगा। अब यही मैं दूसरे होल्डर पे लगूंगा। आप देख सकते हो मेरा स्ट्रिपर अभी रेड है। जैसे ही ग्रीन होगा मैं इसको पुल आउट कर लूंगा और मेरी फाइबर स्ट्रिप हो जाएगी। इसको क्लीन करने के बाद फिर से मैं इसकी कटिंग करूंगा। अब आप देख सकते हो दोनों ही फाइबर मेरे कट के मशीन के अंदर लग चुकी है कुछ इस पोजीशन पे। जैसे ही मैंने अपनी मशीन का विंड हुड कवर बंद किया अब आप देख सकते हो मशीन अलाइनमेंट प्रोसेस पे आ चुकी है। अब आप देख सकते हो मशीन ने प्री आर्क और फ्यूजन जनरेट कर दिया है। विदिन 8 सेकेंड आप देख सकते हो मशीन ने फाइबर को स्प्लाइस कर ही दिया है। दोनों ही होल्डर पे से मैं फाइबर को निकाल लूंगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरी मशीन ने फाइबर को स्प्लाइस कर दिया है और अब मैं स्लीव की हेल्प से इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करूंगा। आप देख सकते हैं मेरा ऑटोमेटिक माइक्रोवेव हीटर जो है वो ऑन हो चुका है। जिस तरह आप देख सकते हैं हीटर का इंडिकेशन ब्लिंक होने लगा है, इसका मतलब स्लीव मेरी फाइबर पे अच्छी तरह चिपक चुकी है। तो ये प्रोसेस होता है रिबन फाइबर स्प्लाइसर को स्प्लाइस करने का और स्लीव को लगाने का।